नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। दोस्तों आज इस वीडियो में, ये दोस्तों 8x10 की सीट है, तो दोस्तों आज इसी के कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए चाहिए एक 5-pin सॉकेट, एक दोस्तों होल्डर, एक इंडिकेटर, एक दोस्तों 2-pin सॉकेट और 3 दोस्तों ऑन ऑफ स्विच। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, स्विच और सॉकेट होल्डर दोस्तों बोर्ड में कस लेते हैं सीट में। उसके बाद में दोस्तों इसके कनेक्शन करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों बोर्ड में सारे स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर और होल्डर को दोस्तों कस लिया है। तो दोस्तों अब इसके कनेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों कनेक्शन करने के लिए दोस्तों इस ऑन ऑफ स्विच से इस होल्डर का कनेक्शन करेंगे, इस ऑन ऑफ स्विच से 2-pin सॉकेट का और इस ऑन ऑफ स्विच से 5-pin सॉकेट का दोस्तों कनेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें कैसे कनेक्शन करेंगे, दोस्तों ये ऑन ऑफ स्विच है तो इसका दोस्तों एक वायर होल्डर में लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों एक वायर ऑन ऑफ स्विच से होल्डर में लगा लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, जो दूसरा ऑन ऑफ स्विच है, देखिए दोस्तों इस दूसरे ऑन ऑफ स्विच का एक वायर इसमें लगाना है ऊपर वाली पिन में, और वही वायर दोस्तों यहाँ से निकाल कर 2-pin सॉकेट में लगाना है, यहाँ से यहाँ। तो चलिए दोस्तों इसको भी लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों एक बार दोस्तों ऑन ऑफ स्विच से 2-pin सॉकेट में लगा दिया है। अब दोस्तों जो 3 ऑन ऑफ स्विच बचा हुआ है दोस्तों, इसका 5-pin सॉकेट में कनेक्शन करना है यहाँ से यहाँ। तो चलिए दोस्तों इसको भी लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों एक ऑन ऑफ स्विच से 5-pin सॉकेट में दोस्तों कनेक्शन कर दिया है। अब दोस्तों क्या करना है, जो 3 दोस्तों ऑन ऑफ स्विच लगे हुए हैं तो दोस्तों उसकी एक एक पिन में एक बार लगाकर, और दोस्तों जो इंडिकेटर लगा हुआ है तो दोस्तों इंडिकेटर की एक पिन में लगाना है, 1, 2, 3, 4 दोस्तों चारों में एक बार लगाकर चारों में बाहर निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों एक वायर को दोस्तों तीनों ऑन ऑफ स्विच में दोस्तों यही वायर लगाकर इंडिकेटर में लगाकर बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों एक 2-pin सॉकेट और एक दोस्तों 5-pin सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक होल्डर। तो दोस्तों एक वायर लेकर 1, 2, 3, 4 दोस्तों चारों चीज़ों में लगाकर बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। उसके बाद में इस बोर्ड को चेक करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों एक वायर 2-pin सॉकेट, 5-pin सॉकेट, यहाँ से दोस्तों होता हुआ इंडिकेटर, अब यहाँ से दोस्तों होल्डर में लगाकर बाहर निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यह है बिजली का बोर्ड। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इंडिकेटर में लाइट आ गई है। देखिए दोस्तों ये दोस्तों होल्डर ऑन ऑफ स्विच सही से काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों 2-pin सॉकेट वो भी दोस्तों सही से काम कर रहा है। ये देखिए दोस्तों 5-pin सॉकेट। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर पर बोर्ड बना सकते हैं, उसके कनेक्शन करने कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।